तुम त्याग करोगे और साधना करोगे तो बदले में कोई बड़ी चीज मिलेगी। 95% लोग इस दुनिया में त्याग करना चाहते हैं बहुत सारी चीजों का, लेकिन वो तपस्या का सिद्धांत नहीं जानते। लेकिन इस त्याग और तपस्या के बीच में छिपी हुई चीज है साधना, उसी को हम ध्यान देते हैं। इसी नियम को पालन किया प्रभु राम, त्याग बिना तपस्या के संभव ही नहीं है, बिना साधना के जबरदस्ती वो अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करेगा, वो बाहर से ही सब करेगा। बहुत अच्छा, बहुत हार्मिक, बहुत अच्छा काम अंदर कुछ परिवर्तन हो गए और बिना अंदर परिवर्तन हुए बाहर कभी कोई अचीवमेंट नहीं होगी। संस्कार जीवन को सरल बनाता है, बाहर नहीं बनाता। एक बड़ी प्यारी परंपरा है त्याग और तपस्या, सर इतनी प्यारी परंपरा है, इतनी प्यारी, त्याग सैक्रिफाइस एंड पेनेंस, सर बड़ी प्यारी प्रक्रिया है, बड़ी प्यारी। लेकिन मैंने फिर कहा, उल्टा कर दिया, हीरा बड़ा प्यारी चीज है सर, कोयला ही है सर, वो हीरा कोयला है, लेकिन जब वो 35 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेल लेता है चमकने लगता है सर, और इस टेम्परेचर को सबको झेलना पड़ेगा सर, चमकने के लिए तापमान सहना पड़ेगा सर, कोई रास्ता ही नहीं है सर। लेकिन मजा बहुत आता है सर, मैंने कहा ना अगर डायरेक्शन मिल जाए, दिशा मिल जाए, मजा बहुत आता है सर। एक खेल शुरू होता है जीवन में बड़ा प्यारा सा, एक बड़ा प्यारा खेल शुरू होता है, आंतरिक युद्ध शुरू होता है, आप दो भागों में बंट जाते हैं, एक पुराना आवाज़ ओझा, एक नया आवाज़ ओझा, और दोनों में लड़ाई होती है। पुराना आवाज़ ओझा कहता है कि शराब पी लो दो घूंट, क्या बुराई है, नया कहता है कि शराब पियोगे यार, जब तुमको पता है कि ध्यान उससे बड़ी शराब है, और लड़ाई होती और आप दोनों को देखते हो ऐसे, उन दोनों को देखना ध्यान है सर। त्याग और तपस्या। अब धर्म के दो विश्लेषक हैं, एक प्रीस्ट, एक संत, सेंट। ये प्रीस्ट कौन है? ये हर धर्म का स्कूल टीचर है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ये हर धर्म का स्कूल टीचर है। ये संत कौन है? ये हर धर्म का साइंटिस्ट है। इसलिए जब भी कोई समाज पुरोहितों के कब्जे में आ जाता है तो उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। दोनों की यूटिलिटी है सर, लेकिन उनका स्थान बड़ा ऊंचा है। हर धर्म के दो विश्लेषक होते हैं, एक पुरोहित, प्रीस्ट, हर धर्म के, हिंदुओं के पुरोहित हैं, मुसलमानों के पुरोहित हैं, क्रिश्चियनों के पुरोहित हैं, ये सिर्फ स्कूल टीचर हैं बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एनालिसिस इसकी, इनको पता सब कुछ होगा, इनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी, ये रटे हुए होंगे, इनको सारे ग्रंथ पता होंगे, और हिब्रू में बोलेंगे, अरबी में बोलेंगे, संस्कृत में बोलेंगे, और माहौल बना देंगे एकदम से। ये साइंटिस्ट है। इनके पीछे मेजॉरिटी चलेगी, इनके पीछे मेजॉरिटी चलेगी, क्योंकि मेजॉरिटी इनके पीछे चलेगी, इनके पीछे माइनॉरिटी। यहां जो है आउटर फीचर में बड़ा महत्व होता है, आउटर
बाहर से, यहां इंटरनल। अब पुरोहित जो है, पुरोहित इसके लिए त्याग बाहरी है, बाहरी बाहरी त्याग है, बाहरी। इसका हर काम आउटर है, तो इसके लिए त्याग क्या है? धन। इसका सारा काम बाहरी है। ये जो तुमसे कहेगा त्याग का, तो कहेगा धन। आप कहोगे यार इतनी मुश्किल से कमाया धन और दान कर दें, और इसके लिए तपस्या क्या है? माला, कि एक माला पकड़ लो और फिर तरह जुए के अड्डे बैठो वहां भी फेर लो, शराब के अड्डे बैठो वहां भी फेर लो। सब बाहरी, सब बाहरी। इसीलिए जितने लोग इनके पीछे चलते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिलता। सिफर में रहते हैं, लेकिन जब आप इनके पास आओगे, संत, आह, संत, जब आप संतों के पास आओगे, यहां बाहरी चीजें नहीं है, यहां अंदरूनी चीजें हैं। संतों के पास बाहरी चीजें नहीं है, आंतरिक। अब सेंसस पे एक आदमी एक्स, ये सेंसस पे जी रहा है, सेंसस पे पांच इंद्रियां हैं, टंग, स्किन, ears, nose, eyes, X. ये पांच इंद्रियां हैं, पांच पांच इंद्रियां हैं, पांच काम इंद्रियां हैं, ये पांच फाइव सेंसेस हैं। और 25 साल तक, 25 इयर्स तक आप इनके साथ रहे, और ये अपने बॉस का हुक्म का पालन करती रही, यानी माइंड, इनका बॉस माइंड। और माइंड का एक बड़ा प्यारा फीचर है हैबिट, आदत। माइंड के इसी फीचर को ध्यान में रखकर एक बहुत बड़ा समाज कोशिश करता है संस्कार देने का। अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, जिंदगी को स्मूथ बनाती है संस्कार। संस्कार जिंदगी को सरल बनाती है, महान नहीं बनाती। मन की इसी फीचर को ध्यान में, आदत। तो लगभग सभी धर्म, हिंदुओं ने मठ स्थापित किए, मुसलमानों ने मदरसा बनाया, बचपन से यहां, बचपन से बच्चे लिए जाते हैं, बचपन से। यहां बड़ों का एडमिशन नहीं होता, बचपन से। और बचपन से उन्हें एक विशेष तौर तरीके का संस्कार दिया जाता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि संस्कार जीवन को सरल बनाता है, महान नहीं बनाता। अगर सिर्फ संस्कार से लोग महान बनते तो ये सारे मठ और मदरसा के बच्चे सारे IAS होते, PCS होते, इनमें से कुछ होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ अपवाद नहीं, तो ये सारे, अगर सिर्फ संस्कार लोगों को महान बनाते तो सारे यहां के बच्चे ही बड़े बड़े अधिकारी होते, बड़े बड़े सेवादार होते, मंत्री होते, प्राइम मिनिस्टर होते। लेकिन ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आपने जीवन में देखा होगा, आपके यहां जो पुरोहित पूजा कराने आता होगा, बड़ा संस्कारी, बिना नहाए खाना नहीं खाएंगे, दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो कभी कभी आपके मन में हो सकता है आता हो कि यार इतना पालन करने के बाद ये स्तर क्यों? संस्कार जिंदगी को सरल बनाते हैं, तो महान क्या बनाते हैं? तो महान क्या चीज बनाती है? वो महान बनाती है साधना।
अब ये क्या है? साधना। अब ये पांचों इंद्रियां आपकी 25 साल की हैबिट है, इनकी हैबिट। अब जबान को आम बहुत पसंद है और करेले से नफरत है। नफरत क्यों है सर? नफरत क्यों है? आदत नहीं है। आप देखो जिंदगी में जितनी मीठी चीजें हैं उनसे बड़ा लगाव है और नुकसान बहुत करती हैं। तो अब त्याग कैसे करना है? स्वाद का। स्वाद का त्याग करना है। कैसे? कहने के कह के स्वाद का त्याग करना है। तो स्वाद का त्याग करेंगे तो क्या होगा? सेहत। त्याग। लेकिन त्याग का सीधा संबंध है तपस्या से। त्याग सिर्फ कहकर नहीं हो सकता, तपस्या करनी पड़ेगी। ये तपस्या साधना करनी पड़ेगी। मतलब जब आप भोजन करने बैठे आपको तुरंत अपनी सांसों पर आना पड़ेगा और यह प्रक्रिया कम से कम 21 दिन चलेगी। कम से कम। त्याग बिना तपस्या के संभव ही नहीं है। 95% लोग इस दुनिया में त्याग करना चाहते हैं बहुत सारी चीजों का, लेकिन वो तपस्या का सिद्धांत नहीं जानते हैं। इन इंद्रियों का त्याग करना है। नींद बड़ी प्यारी चीज, बहुत ही प्यारी, और आजकल तो लोग 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे सोते हैं। उसकी वजह क्या है? मेजॉरिटी लोगों की नींद पूरी ही नहीं होती, टूटती रहती है बीच बीच में। इतनी अंदर अस्थिरता है, पहली बार तो जल्दी आती ही नहीं, रात भर करवट इधर उधर लेते रहते हैं, मन ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे। एक साइड में मन चल रहा है पहले साइड में कि आईएएस बन गए, मंत्री जी की बेटी शादी हो गई, पूरा गांव सामने आके सर झुका दिया, तो खूब चौड़े होकर लेटे। और फिर मन पलट के दूसरी तरफ चला जाता है कि आईएएस नहीं बन पाए, मां बाप भगा दिए, भीख मांग रहे, तो सिकुड़ के लेट गए। ऐसे काफी देर तक रात में यह प्रक्रिया चलती रहती है। आजकल लोग थक कर सोते हैं, मेजॉरिटी। आजकल लोग अपनी नींद से नहीं सोते कि लेटे नींद आ गई, थक कर कि भैया रात भर इधर उधर पलटते रहे और पता नहीं कब नींद आ गई। नींद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। अगर गहरी आ जाए, फुल फ्लेज्ड, तो 5 घंटे बहुत है, 6 घंटे तो बहुत ज्यादा है। अगर बेहोशी की नींद आ जाए 6 घंटे बहुत ज्यादा है। नींद का त्याग होगा तो जागरण मिलेगा। संस्कार से जो चीजें होती हैं वो हैबिचुअल बनाती हैं आदमी को कि मौलाना साहब 2 बजे की नमाज पढ़ने जाते हैं, हैबिचुअल है। लेकिन साधना क्या करता है, ध्यान क्या करता है कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और उससे आपके अंदर ताकत का संचार होने लगता है। आप इंटरनली पावरफुल होने लगते हैं। जिसने भी इंद्रियों को छोड़ा, सेंसेस को, उसको साधना करनी पड़ी। और जिसने सही डायरेक्शन में किया, बुद्ध ने, महावीर ने, दादू ने, नानक ने, रैदास ने, तो उनको कॉन्शियस मिल गई, चैतन्य। और जिसको भी चैतन्य मिला वो महान हो गया। त्याग किसका करना है? सेंसेस का। लेकिन त्याग के साथ तपस्या, साधना करनी पड़ेगी।
ध्यान करना पड़ेगा। अगर आप बेहोशी का त्याग करें, बेहोशी बहुसंख्यक लोगों को है सर, नहीं तो इतना आसान है सिगरेट पीना। पैकेट पे लिखा हुआ है सिगरेट स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, पहली लाइन। दूसरी स्टैच्यूरी वार्निंग में लिखा हुआ है टोबैको कैन मे कॉज कैंसर। तीसरी बात, लंग्स की फोटो बना दी है। तीन तीन चीज, तीन। कोई विटामिन नहीं, कोई यूजफुल चीज नहीं। ये बेहोशी नहीं है। बेहोशी का मतलब ये नहीं सिर्फ आंख बंद करके बेहोशी, आंख खुली होकर भी बेहोशी होती है। वो बड़ी अजीब सी बेहोशी है। 98% को एहसास ही नहीं होता कि वो बेहोश है। बेहोशी का त्याग और होश की उपलब्धि होगी। लेकिन इस लेकिन एक त्याग के साथ यही 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 सिर्फ त्याग नहीं, तपस्या भी। बैठना पड़ेगा सर, सांसों को देखना पड़ेगा। आप सिगरेट लीजिए, ऐसा कसम मत खाइए कि अब मैं सिगरेट की दुकान की तरफ देखूंगा नहीं, अब मैं सिगरेट की दुकान की तरफ जाऊंगा नहीं। ना 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 ना, ना ऐसे नहीं। मंदिर में क्या कसम खा लिया कि आज से शंकर जी की भोलेनाथ के सर पे हाथ रखे कसम खा रहे हैं जो एक सिगरेट पी ले, ये सबसे कुछ ना होगा। सिगरेट रख लीजिए बगल में और जैसे ही तलब, इच्छा तो होती नहीं, तलब, सांसों पे आइए, तुरंत सांसों पे आइए और डीप सांस अंदर ले आइए। ये आपके विल पावर की तपस्या, मतलब विल पावर की जांच। तो वो जो तलब अंदर उठ रही है वो उतने समय में परिवर्तित होगी सर, बदलेगी। तो त्याग जो है, त्याग, त्याग, सैक्रिफाइस और तपस्या। त्याग किसका? मैंने कहा स्वाद का। लेकिन इस त्याग और तपस्या के बीच में एक छिपी हुई चीज है, साधना। उसी को हम ध्यान कहते हैं। ये हिडन है, हिडन, ये किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी और ये कन्वर्ट होकर आपको सेहत दे देगी। आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ गई। आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ गई। बेहोशी का त्याग, भागना नहीं है, आपका होश बढ़ गया। जब भी तुम त्याग करोगे और साधना करोगे तो बदले में कोई बड़ी चीज मिलेगी। यह नियम है और इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। इसी नियम को पालन किया प्रभु राम ने किया। तो त्याग किया किसका? राजगद्दी का। लेकिन ऐसा नहीं त्याग करके चले गए कि अब कभी नहीं आएंगे, हम राजा नहीं बैठेंगे, कभी गद्दी पर नहीं बैठेंगे। ना 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 ना, त्याग किया, 14 साल के लिए चले गए, साधना की। प्रभु राम की जो राजगद्दी का त्याग है, थ्रोन, थ्रोन और भगवान के बीच ये है साधना और ध्यान। तुम एक एक करके एक 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 डायरी बनाओ, डायरी, और जितनी चीजें तुम्हारी इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, जो तुम्हें लगता है
कि तुम्हारे विकास में बाधक है, उनको छोड़ो। एक एक चीज किसके द्वारा छोड़ो? इसके द्वारा। जबरदस्ती मत छोड़ो, जबरदस्ती मत छोड़ो। जबरदस्ती छोड़ोगे तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आंतरिक रूप से कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। जबरदस्ती मत छोड़ो, एक एक करके इंद्रियों से संबंधित, व्यसनों से संबंधित एक एक करके टारगेट बनाओ और त्याग करो, पर साधना भी करो कि वो चीजें तुम्हारे सामने रहें। भागना नहीं है कि हम नॉनवेज के रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम शराब की दुकान के सामने से नहीं गुजरेंगे, एकदम गुजरेंगे। हम तो बियर बार में भी जाके बैठेंगे। त्याग करो और साधना बढ़ा दो, ध्यान बढ़ा दो, जागरण बढ़ा दो, बस वो जो तुम्हारी चीज है वो कन्वर्ट हो जाएगी, पुरानी छूट जाएगी, एक नई उससे अच्छी मिल जाएगी। पुरानी छूट जाएगी और एक नई उससे अच्छी मिल जाएगी, और ऐसे धीरे 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 इतनी आंतरिक ताकत विकसित होती चली जाएगी कि तुम्हें बाहर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। त्याग बिना साधना के निरर्थक है, वो जबरदस्ती है, वो अंदर कुछ भी परिवर्तित नहीं करेगा। वो बाहर से ये शो करेगा कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत धार्मिक आदमी है, बहुत संस्कारी आदमी है, लेकिन अंदर कुछ परिवर्तन होगा ही नहीं। और बिना अंदर परिवर्तन हुए बाहर कभी कोई अचीवमेंट नहीं होगी। इसीलिए जो व्यक्ति इसका पालन करता है उसके लिए भारतीय संस्कृति में एक बड़ा विशेष शब्द है, महावीर। यह हर आदमी के बस की बात नहीं है सर। जैनों के स्वामी तो ही है महावीर जी, हनुमान जी को भी, हनुमान जी को भी महावीर कहा गया। निरंतर राम का स्मरण करना, निरंतर त्याग इंद्रियों से संबंधित वस्तुओं का, त्याग के साथ तपस्या, ध्यान प्रत्येक चीज पर। कितना टाइम लगेगा एक अच्छी स्थिति में आने के लिए? एक बहुत अच्छी स्थिति में आने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। इसलिए परिवर्तन की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है धैर्य। हाँ, मोटिवेशन नहीं, नो मोटिवेशन, बदलो, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करो, तपस्या करो, त्याग करो। त्याग किसका? अपनी वृत्तियों का। त्याग पैसे का नहीं कि अपने घर का पैसा लेकर किसी को दिया है कि भैया मैंने त्याग कर दिया, वो त्याग नहीं है, वो पागलपन है। अपना मकान किसी को दे दिए, अपनी कार किसी को दे दिए कि भैया हमने त्याग कर दिया, वो भिखमंगापन, वो पागलपन है। त्याग करो अपनी निगेटिविटी का, लेकिन त्याग के साथ तपस्या जरूर करो, साधना। वहां आपका आदर्श कौन? राम। साधना में आपका आदर्श कौन? भगवान शंकर। तो अचीवमेंट किसकी? कृष्ण जैसी। पूरी दुनिया आपकी, भले आप ग्वाले के घर में पाले गए हैं तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन राम और शिव के गुण अगर आपके अंदर आ गए, राम का कौन सा? त्याग और तपस्या। शिव का कौन सा? सन्यासी।
कौन है भगवान? अब जिस पैदा हम सब हुए इंद्रियों पे, सेंसेस पे, हमारा 20 साल तक सामना रहा सेंसेस से, और 20 साल से जिसके साथ रहेंगे ना सर, तो उसे मोह बढ़ जाएगा, अनुराग बढ़ जाएगा सर, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। तो जिन्होंने भी सेंसेस को छोड़ दिया और कॉन्शियस पे जीने लगे, हमने उन्हें भगवान मान लिया कि बहुत बड़ा काम कर डाला यार। जिन्होंने भी इस देश में, जिन्होंने भी सेंसेस का त्याग करके, मतलब छोटी चीज को छोड़कर, इसीलिए इस देश की परंपरा में त्याग शब्द का बड़ा महत्व है। लेकिन त्याग मतलब यह नहीं भिखमंगे हो जाओ, अपना घर दान कर दिए, अपनी गाड़ी दान कर दी, अपना सारा पैसा दान कर दिया, भीख मांगने लगे, वो मूर्खता है। मैंने कल आपसे कहा था ना कि बहादुरी में और पागलपन में थिन लाइन डिफरेंस है, कुछ वर्ड है दुनिया में। इसका त्याग, इसका राम ने राज्य का त्याग किया, अरे बहुत बड़ा त्याग कर दिया, कोई बड़ा त्याग नहीं किया, क्योंकि जब वो लौटे तो भगवान बन के लौटे। जब भी आप किसी छोटे चीज का त्याग करेंगे और उससे बड़ी चीज की उपलब्धि होगी, तो आप स्वाभाविक तौर पर महान बनेंगे।